सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। वी आर बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए गाइस। सो मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों के सामने फिर से एक सोलो का रैंक पुश लेके हाजिर हूं। एंड गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। वीडियो में आप लोग देखना कि मैं कैसी एकदम ओपी तरीके से भुया लेता हूं एंड हर एक बंदे को अच्छे से मारता हूं, ठीक है। एंड गाइस, टेक्निक देखना, टेक्निक आप लोग देख के सीखना, बहुत कुछ है इसमें। ग्रैंड मास्टर पुशिंग का वीडियो है गाइस, देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड गाइस, देख के आप लोगों को बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। एंड गाइस, सोलो में रैंक पुश करना कैसे होता है आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हो, इतना गारंटी देता हूं। जो भी है गाइस, ज्यादा कुछ बात ना करके डायरेक्टली चलते हैं गेम के अंदर। लेकिन गेम में जाने से पहले मैं आप लोगों को बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर नए हो तो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर दो। और गाइस, वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। सो गाइस, हम लोग आ गए प्लेन के अंदर। अभी आप लोग देखो मैं कहां पर उतरता हूं, क्योंकि गाइस मेरे को एक ओपी सा बुया लेना है, इसलिए गाइस हम लोग उतरेंगे शिपयार्ड। और गाइस, ये प्लेन से एकदम सामने है तो मैं जल्दी जल्दी उतर रहा हूं, क्योंकि गाइस मेरे को हर एक बंदे को मारना है, वो भी गाइस एकदम ओपी ओपी सा ट्रिक यूज करके। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ओपी तरीके से मैं इधर उतर गया, लेकिन गाइस मेरे साथ बहुत सारे बंदे भी उतरे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी मेरे को भाई साहब किसी भी हालत में एक अच्छा सा गन ले लेना है, और उसके बाद गाइस कोई बंदा अगर सामने आता उसको मारना है। तो इधर देखो एक बंदा आया, तो मैंने इसको ओपी सा हेडशॉट कनेक्ट करके ना फर्स्ट किल इधर कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा करके फर्स्ट किल इधर कंप्लीट होने के बाद, तो इधर ही मैं कवर कवर लेके थोड़ा सा लूट वूट कर रहा हूं। गाइस देखते हैं इस मैच में मैं कितना किल कर पाता हूं, वो भी एकदम सर्वाइव करके। सो गाइस, इधर मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से लूट कर लिया, क्योंकि गाइस जो बंदा था मैंने उसको मार दिया। एंड गाइस, इधर कोई भी बंदा नहीं था क्योंकि मैंने एकदम सेफ लैंडिंग किया था। सो गाइस, आप लोगों को भी सेफ लैंडिंग करना है अगर आप लोग सोलो में रैंक पुश कर रहे हो, क्योंकि गाइस लैंडिंग के टाइम अगर मरते हो ना तो आप लोगों का गेम खेलना ही छोड़ देना होगा, क्योंकि गाइस इतना माइनस लगता है ना क्या ही बताओ। तो इधर से पूरा लूट करने के बाद बाइक लेके मैं निकल गया सामने, क्योंकि गाइस मेरे पास पूरा लूट आ गया था, अभी बस बंदे को मारना है लेकिन एकदम कवर कवर ले। सो गाइस, इस मैच के लिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि गाइस जो मेरे को थोड़ा सा सर्वाइव करके भी खेलना है और ज्यादा किल भी करना है। तो गाइस, मेरा जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है आप लोग ध्यान से देख लो। सो गाइस, सबसे पहले जो कैरेक्टर मैंने लिया है ना वो है गाइस लुकेटा कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर लेने के बाद गाइस दिशा कैरेक्टर जो बहुत ही ओपी है गाइस, ओके। उसके बाद हम लोगों ने लिया गाइस मिशा कैरेक्टर, जो मेरा तो मतलब क्या ही बताओ फेवरेट है। और लास्ट में गाइस के कैरेक्टर जो हमेशा मैं लेता हूँ और गाइस आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ लेने के लिए। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेने के बाद मैं गेम में आया हूँ, और गाइस ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लेके क्या ही ओपी गेम प्ले होता है आप लोग देखो। उसके बाद गाइस बहुत सारा टाइम बाइक से घूमने के बाद ना सामने एक ड्रॉप था, तो मैंने ड्रॉप से थोड़ा बहुत लूटने की कोशिश की, लेकिन एक बंदे को मैंने देखा उधर जीप लाइन से पीक पर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने लेट ना करके जल्दी जल्दी बाइक लेके उसके पीछे गया, क्योंकि गाइस मेरे को उसको मारना था। तो गाइस मैंने एक सेकंड भी लेट ना करके उसके पीछे चला गया बाइक लेके, क्योंकि गाइस मेरे को उसको मारना था। तो इधर जाने के टाइम ना एक फटाक से टावर से मेरे सामने गिरा, तो मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज देके ना उधर के बाइक क्या ही ओपी तरीके से मार दिया। लेकिन गाइस ऊपर से ना वो बंदा मेरे को थर्ड पार्टी करने का सोच रहा था, कितना गंदा डैमेज दे रखा था। तो मैंने जल्दी जल्दी एक मेडिकेट मार लिया, और मारने के बाद ना थोड़ा बहुत लूटने की कोशिश की, क्योंकि गाइस उसके बाद बहुत सारा ग्लूअल था मेरे को पता था। तो मैंने उसको देखो एकदम ओपी तरीके से मतलब क्या ही एम लेके रखा है, बंदा निकलेगा और गाइस उसको मैं मार दूंगा। लेकिन मैंने बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन बंदा कबर में चला गया गाइस। लेकिन मैंने क्या किया, इधर एकदम भी टाइम वेस्ट ना करके ना मैं डायरेक्टली बाइक लेके उसके सामने चला गया, क्योंकि गाइस बाइक से पहले उड़ाऊंगा उसके बाद उसको मारूंगा। तो ऐसे करके इस बंदे को देखो ओपी तरीके से हल्का सा डैमेज दिया, और गाइस एक ओपी सा हेडशॉट कनेक्ट करके ना इसको भी मार दिया। सो ऐसे करके गाइस तीन किल कंप्लीट कर लिया मैंने। उसके बाद गाइस और एक बंदा मेरे को डैमेज देने लगा, लेकिन मैंने एक ग्लोअल मार के ना इधर आराम से लूट वूट कर लिया, क्योंकि गाइस मेरे को ग्लोअल चाहिए था, तो इधर से मेरे को अच्छा खासा ग्लोअल मिल गया। तो सामने एक बंदा था ना, वो बंदा मतलब कवर कवर लेके ना मेरे को मारने के लिए आ रहा था, और गाइस मैं उसको थोड़ा सा भी स्पॉट कर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए गाइस मैंने ओपी तरीके से बाइक लिया और उसके सामने चला गया उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि गाइस वो बंदा अगर मेरे को मारेगा ना बाइक में गोली नहीं लगेगा, मैं कुछ नहीं डैमेज होगा। तो इसलिए गाइस उसके सामने चला गया, वो पेड़ के पीछे था या कहां था मेरे को कुछ पता नहीं, मैं इधर ही ऐसे ऐसे घूम रहा था उसको ढूंढ रहा था, और सामने फटाक से आ गया। तो मैंने इसको भी थोड़ा सा ओपी सा डैमेज देके उसके बाद उतर के एक स्प्रे किया और बंदा खत्म। ऐसे करके गाइस चार किल कंप्लीट हो चुका था मेरा, और गाइस अभी 10 बंदे अलाइव है, ओके। देखते गाइस भुया हो पाता है कि नहीं, और गाइस कितने किल करते हैं हम लोग। सो इधर से गाइस मैंने ओपी तरीके से लूट कर लिया, और गाइस ट्रस्ट मी मेरे पास बहुत सारा सुपर मेडिकेट भी आ गया। तो अभी देखते हैं लास्ट में क्या होता है, और बंदे के साथ मैं कैसे डील करता हूं, मतलब उसको मारता हूं या सा सुपर मेडिकेट मार के भुया लेता हूं। गाइस पूरा वीडियो देखते रहो, और गाइस अभी का पार्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो स्किप मत करना। सो गाइस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं, कि गाइस कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। सो गाइस आप लोग इंडिया और
पाकिस्तान से कौन से प्लेयर को सबसे ज्यादा पसंद करते हो? और गाइस आप लोग क्रिकेट देखते हो कि नहीं प्लीज मेरे को बताना, क्योंकि गाइस मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ और गाइस मैं हमेशा क्रिकेट देखता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप लोग प्लीज बताना इंडिया की टीम से आप लोगों को कौन सबसे ज्यादा पसंद है और गाइस पाकिस्तान की टीम से सबसे ज्यादा आप लोगों को कौन पसंद है। भाई क्या ही खतरनाक गेम प्ले हुआ था, आप लोगों ने मैच अगर देखा होगा तो आप लोग समझ सकते हो, मतलब लास्ट बॉल तक मतलब क्या ही खतरनाक, लिटरली बता रहा हूँ, इतना मतलब टेंशन वाला मैच था ना कल, मतलब क्या ही बताऊँ, मजा आ गया पूरा। सो गाइस फाइनल में कौन जीतेगा, इंडिया या और पाकिस्तान से, आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताना, ओके। सो गाइस हम लोग बैक करते हैं हम लोगों के गेम पे। तो इधर देखो एक बंदा ओपी तरीके से भाग रहा था, तो मैंने इधर जूम इन जूम आउट करके ट्राई किया मारने के लिए, लेकिन मेरे से नहीं होता जूम इन जूम आउट, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बाइक लेके उसके सामने चला गया गाइस, लेकिन बंदा कहाँ गायब हो गया मेरे को कुछ पता नहीं चला। तो इधर से थोड़ा बहुत घूमने के बाद मैं सोचा कि मैं जोन के एकदम साइड में जाऊँ, इधर रहने से खतरा हो सकता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली चला गया जोन के अंदर। उसके बाद गाइस जोन के अंदर आने के बाद सात बंदे अलाइव है मेरे को लेके, तो सामने एक बंदे का फाइट हो रहा था, ग्लूअल वर मार के बैठा था बंदा, तो मैंने इधर देखो ग्लूअल तोड़ा पहले, तो उसके बाद बंदे को मतलब ढूंढ रहा था लेकिन बंदा नहीं मिल रहा था। तो इधर चारों तरफ मैं देख रहा था बाइक लेके, क्योंकि गाइस बाइक में आप लोगों को पता है गोली अगर कोई मारता है ना तो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं आता। तो इधर देखो एक ओपी तरीके से बाइक से एक बंदे को उड़ा के मैंने 5 किल कंप्लीट कर लिया, ओके। तो सामने भी एक बंदा था गाइस, बंदे ने मेरे को कितना गंदा डैमेज दे रखा, देखो कितने ओपी तरीके से मार रहा है वो बंदा कबर में बैठ बैठ के। तो गाइस लिटरली अभी मरने वाला था मैं, गाइस देखो मैंने कितने ओपी तरीके से बचा, लेकिन गाइस इधर भी मेरा बाइक उसने फोड़ दिया, लेकिन गाइस मैंने उसका बदला ले लिया उसको ओपी तरीके से मार के। तो इधर मेरा 6 किल कंप्लीट होने के बाद गाइस सामने और एक बाइक था, गाइस मैं तो पागलों की तरह दौड़ के जा रहा था उस बाइक को लेने के लिए, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है मिशा करेक्टर लिया है मैंने, और मिशा करेक्टर लेने के बाद मैं वेस्ट नहीं करना चाहता बाइक अगर मिले तो। सो गाइस उसके बाद मैंने बाइक लेके फिर से स्टार्ट कर दिया बाइक चलाना। गाइस अभी अगर कोई बंदा सामने आया ना बाइक, क्या ही बताओ उसको ऐसा ठोकूंगा ना, मतलब क्या ही बताओ, वो बंदा कभी बाइक के सामने नहीं आएगा। सो गाइस दिमाग खराब हो गया था, बाइक लेके मैं क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ गया। गाइस एक सामने बंदा सीढ़ी से सामने जा रहा था, तो गाइस मैंने उसके पीछे लग गया, गाइस बाइक से उसको किसी भी हालत में उड़ाना है। तो इधर देखो दो बंदे का फाइट हुआ गाइस, मैं कितने ओपी तरीके से एक बंदे को मारने वाला था, लेकिन एक बंदे ने एक बंदे को मार दिया, और गाइस इसके पास शॉटगन था, क्या ही गंदा डैमेज दे रखा मैंने। गाइस जल्दी जल्दी बॉनफायर चला के ना उस बंदे को ओपी तरीके से नॉक कर दिया, भाई पता नहीं ये नॉक कैसे हो गया सोलो में, जो भी है गाइस इसको मारने के बाद गाइस मैंने जल्दी जल्दी मेडिकेट मारा पूरा ग्लूअल का पैक करके, और बंदा क्या ही खतरनाक तरीके से मेरे को ग्रेनेड मार रहे हैं आप लोग देख सकते हो। लेकिन गाइस मैंने थोड़ा सा भी पैनिक नहीं हुआ, मैं इधर उधर हड़बड़ी नहीं किया, मैं इधर ही थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि गाइस मेरे को पता है वो बंदा ग्रेनेड मारेगा ना तो मैं ग्लूअल से कवर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा ग्लूअल है, ओके। तो इधर से थोड़ा सा वेट करने के बाद जल्दी जल्दी मैंने ग्लूअल तोड़ा, और ग्लूअल तोड़ के मेरे को अभी कवर में जाना था, क्योंकि गाइस तीन बंदे अलाइव है मेरे को लेके, अभी मेरे को साइड में ही रहना है, उस दोनों बंदे का फाइट होना देना पहले। इसलिए गाइस मैं ओपी तरीके से घर के अंदर आ गया, अभी इधर कवर लेके आराम से बैठे रहूंगा, उस दोनों बंदे का फाइट होने दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि सामने बंदा देखो दोनों बंदे फाइट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इधर से लूट करने का सोचा, क्योंकि गाइस मेरे पास थोड़ा बहुत ग्लूअल चाहिए था, और गाइस इसके पास ना सुपर मेडिकेट बहुत था, तो मैंने सोचा इधर से सुपर मेडिकेट ले लूं, बाद में अगर बंदा बहुत ही ओपी तरीके से खेलेगा तो मैं इधर बैठ के आराम से बुया लूंगा बिना कोई फाइट किए। तो इधर से मैंने सुपर मेडिकेट लेने के बाद इस कोने में आके आराम से बैठ गया, क्योंकि गाइस उधर दो बंदे का फाइट चल रहा है। तो इधर से देखो मैंने बहुत कुछ बैग में था, तो इसलिए उधर बैग खोल के मैंने कुछ नहीं निकाला, मैं एकदम घर में आया, आने के बाद इधर से खाली किया बैग, उसके बाद जाके उधर फटक से ले लूंगा। तो गाइस ये चीज ना आप लोग याद रखना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोग भी ऐसे करके मरते हो जब आप लोग बैग खोल के ना लूटते हो, तो कभी भी अगर बैग फुल रहता है ना आप आओ आके साइड में कवर में बैठ के बैग खाली करो, उसके बाद जाके उधर लूटो, ये चीज ना बहुत फायदे का है याद रखना आप लोग। उसके बाद और एक चीज गाइस, अगर सामने बंदा हो या ना हो आप फिर भी एक ग्लूअल मार के ना कभी भी लूट करो, अगर खुले में आप लोग लूट करो जैसे कि मैं इधर कर रहा हूं। देखो फिर भी गाइस इधर लूट करने के टाइम ना बंदा पीछे से आके मेरे को डैमेज देने लगा, और गाइस इधर से वो बंदा डैमेज देने लगा, मतलब दोनों बंदे मिलके मेरे को ही मार रहे थे। तो मैंने इधर जल्दी जल्दी कवर लिया इस घर का, मतलब इधर आके एकदम परमानेंट कवर लिया, और उधर वो दोनों बंदे का फाइट होने दिया, और इधर ही रुका, और इधर रुकने के टाइम ना ये बंदा मेरे को ही मार रहा था, मतलब क्या ही बताओ, बंदे लोग फाइट ही नहीं कर रहे मेरे को ही मारने जा रहे हैं। तो इधर से मेरे को ग्रेनेड था बहुत सारा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो जो ग्रेनेड मेरे पास था सब कुछ उधर फेंक दिया, लेकिन खुले में नहीं गाइस कवर लेके, ओके। अगर एक भी ग्रेनेड उन लोगों को लगा ना तो बंदे लोग जल्दी जल्दी मर जाएंगे, तो मेरा इजी हो जाएगा बुइया लेना। तो इधर ही थोड़ा सा वेट किया गाइस, उस दोनों बंदे का फाइट करने दिया, और गाइस एक बंदे को मार दिया, मतलब 1v1 का सिचुएशन हो गया था अभी। तो मैंने देखो एकदम ओपी तरीके से टेक्निक यूज किया, इधर सामने ग्लूअल मारा मैंने बहुत सारा बंदे को कंफ्यूज करने के लिए कि मैं ग्लूअल के पीछे हूं, और उसके पास जो भी ग्रेनेड रहे वो उधर वेस्ट कर दे मार के। तो इधर मैं आराम से बैठा रहा, लेकिन बंदा बहुत ही शाना था गाइस, उसने समझ लिया मेरा ये ट्रिक्स, वो क्या किया उधर कुछ ना मार के ना एकदम ओपी तरीके से मेरे इधर आ गया मेरे को मारने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी जल्दी इधर देखो एक ग्लूअल का पैक कर लिया, इधर एक ग्लूअल मारा और सामने भी एक ग्लूअल मारा,
लेकिन गाइस बंदा जोन के अंदर आके मेरे को मारने लगा, मतलब क्या ही गंदा सीन हो गया था गाइस। लेकिन गाइस मेरे पास सेल्फ रिवाइव इंजेक्शन मतलब हॉरिस लाइन जो था ना वो था गाइस, मतलब क्या ही बताओ। उस बंदे से मेरे को लूटा मैंने भाई, वो रहने से मेरा बुया हुआ, नहीं तो सीरियसली बता रहा हूँ मैं बुया नहीं रह पाता, वो बंदा बुया ले लेता। जो भी है गाइस इधर ओपी तरीके से मैंने बुया लिया, ये बंदा बहुत ही खतरनाक था लेकिन फिर भी मैंने ही बुया ले लिया। सो गाइस ये था वीडियो, कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। और गाइस आप लोग बताना आप लोग ये सेल्फ रिवाइव जो है ना वो कितने बार यूज किया। मैंने तो भाई फ्री फायर में 2 बार ही सोलो में यूज किया। जो भी है गाइस वीडियो अगर पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे सेट कर देना। ओके और गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।